हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए लोग घरों में बंद है, खास करके शहरों की बात की जाए तो, लेकिन खाना तो बना ही रहे हैं। और जब सब लोग घरों में बंद है, खाना बन रहा है, तो इन तीन शेयर्स को देखो। इनमें अभी नहीं, अभी नहीं, अभी तो मार्केट की सिचुएशन खरीदने लायक है ही नहीं, मौका आएगा बहुत ही बढ़िया वाला, क्योंकि इनकी खपत जो है वो चले जा रही है, जो इनका पैसा है वो बने जा रहा है, उसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन मौका आएगा, ये शेयर काफी तेज भागेंगे आने वाले टाइम पे, तो इसलिए इन तीन शेयर को नजरों में रखो। ये कोई बड़े शेयर नहीं है कि बहुत बड़े लार्ज कैप सेगमेंट के शेयर है, ये छोटे शेयर्स हैं, ऐसा नहीं कि स्मॉल कैप है, लेकिन इनकी जरूरत बहुत है, जरूरत बहुत है इनकी, और आने वाले टाइम पे ये जरूरत बढ़ती रहेगी, ऐसा नहीं कम होगी। चलिए बात करते हैं इन तीनों शेयर्स की एक एक करके, क्या लेवल्स हो सकते हैं इनके सपोर्ट के। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। साथ में अगर आप शेयर मार्केट में नए हो, आप तक डीमैट अकाउंट ही नहीं है, तो जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया, उस पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट जरूर ओपन कीजिए। और उससे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखनी है तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। सीधे लेके चलते हैं आपको, पहले ग्लोबल लेवल की सिचुएशन समझाते हैं। ये सिचुएशन मैं आपको इसलिए समझाता हूँ ताकि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाए और शेयर मार्केट में पैसा लगाने से पहले 100 बार सोचे। और आज से नहीं, मुझे ऑलमोस्ट इट्स मोर देन वन मंथ मैं कहूंगा कि हो चुका है इस सिचुएशन को आपको बताते हुए। 7 लाख टोटल नंबर, ये टोटल केसेस है, 33,000 डेथ, अपने आप में सब कुछ बयां करता, वो भी 18% डेथ रेट जो क्लोज केसेस है उनका। और यही नहीं, आप अमेरिका में 1,31,000, कितनी तेजी से ये बढ़ रहा, हर दिन 15-20 हज़ार जो है काउंट बढ़ जा रहा है डेली। उसके अलावा इटली में 756 आज की डेथ है, बहुत तेजी से, देखिए कितनी तेजी से, ये 10,500 को भी पार कर चुका है, ये अपडेट हो चुका है आज का नंबर 756। अमेरिका में 108 डेथ हुई है, चाइना को तो अभी डाटा ही क्लियर नहीं है भाई, छोड़ दीजिए। स्पेन में 624 डेथ, बहुत ही तेजी से यहाँ पे भी डेथ बढ़ रही है स्पेन में, देख लीजिए। इटली में 756 और 1 लाख को टच करने वाला है इटली का आंकड़ा भी, अभी अपडेट डिटेल में आएगी तो और डिटेल में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए ईरान के केसेस, सबसे इंपॉर्टेंट फ्रांस को अगर आप देखोगे तो फ्रांस बहुत ही खतरनाक तरीके से आगे बढ़ रहा है। फ्रांस को आपको हल्के में लग रहे होंगे, लेकिन फ्रांस में जो लोग सीरियस यहाँ पे बैठे हैं, अभी 4,300 के अराउंड सीरियस लोग हैं। स्विट्जरलैंड, नेदरलैंड, बेल्जियम, हर तरफ ये फैला हुआ है। और यहाँ पे पाकिस्तान की हालत देख सकते हो, 1,526, और इंडिया की हालत देख सकते हो आप, इंडिया की हालत भी 1,000 को पार कर चुका है, 1,024, 27 डेथ, ये देखिए बहुत तेज़ी से आंकड़े बढ़ रहे हैं। और IMF चीफ के अकॉर्डिंग हम रिसेशन में ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं, तो इसको समझने की ज़रूरत है। क्रूड ऑयल को आप देख सकते हो, डिमांड ही नहीं है। नेचुरल गैस को आप देख सकते हो, डिमांड ही नहीं है। अब जिन शेयर्स की हम बात कर रहे हैं, उन शेयर्स को देखते हैं एक एक करके। जी हाँ, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले IGL, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, IGL हर कोई जानता है, घर घर में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, खास करके नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, रेवाड़ी, ये सब जगह पे इंद्रप्रस्थ गैस चलती है, IGL इन्हीं की पाइपलाइन चलती है। 25,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, 357 का प्राइस, 0 डेट की कंपनी, कोई उधार नहीं, प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ बहुत ही बढ़िया, और ऐसे मंदी के टाइम पे भी काम तो चल ही रहा है इसका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि बाकी कंपनीज का बिजनेस ठप हो गया तो इसका भी कंजम्पशन ठप हो गया, भाई इनका कंजम्पशन चल ही रहा है, घर घर में लोग भरे हैं तो खाना तो बन ही रहा है, बल्कि गैस का कंजम्पशन और ही यूज हो रहा है घरों में, तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। लेकिन अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, भाई इनका प्राइस क्यों गिर रहा है। देखिए इनका प्राइस इसीलिए गिर रहा है कि ओवरऑल ग्लोबल मार्केट में, मैंने आपको नेचुरल गैस की डिटेल दिखाई थी, अगर नहीं देखी तो आप एक बार और देख सकते हो। ये नेचुरल गैस को आप देखोगे, देखिए नेचुरल गैस का हो, क्रूड ऑयल, जितना भी ये पेट्रोलियम चीज वाली चीज़ें हैं, इनके दाम धड़ल्ले से गिर ही रहे। अगर नेचुरल गैस को मैं देखूँ यहाँ पे, तो पिछले एक साल के हिसाब से देखिए, अभी अक्टूबर नवंबर तक अच्छा खासा 2.75 के अराउंड था, अभी देखिए बिल्कुल गिर के 1.67 के आसपास ही आ चुका है। देखिए बहुत ही नीचे ये गिरावट, यहाँ पे 50% से ज्यादा की ये गिरावट है, तो पूरा का पूरा यहाँ पे गिरावट चल रही है। अब इन शेयर्स को, IGL को आपने देखा, दूसरा शेयर हमारे पास है यहाँ पे महानगर गैस लिमिटेड, अभी मैं आपको इन तीनों का चार्ट भी दिखाऊंगा। अब IGL तो दिल्ली NCR के लिए हो गया, महानगर गैस लिमिटेड मुंबई, रायगढ़, ये डिस्ट्रिक्ट जितने भी एरियाज एडजॉइनिंग एरियाज है मुंबई के, उन सब में ये महानगर गैस लिमिटेड है। अगर महानगर गैस लिमिटेड को भी देखोगे, अगर आप डेट फ्री शेयर है, कोई उधार नहीं है, 8,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, प्राइस 814 के आसपास है, बढ़िया सेल्स ग्रोथ, बढ़िया प्रॉफिट ग्रोथ, तो ऐसे स्टॉक्स आप अपने पोर्टफोलियो में रखने चाहोगे।
चाहोगे डेफिनेटली तो लिख के रख लीजिए इन स्टॉक्स को, मौका आएगा तो खरीदने का। मौके की भी बात करेंगे, आपके पास अभी मौका कब आएगा। अगले स्टॉक की तरफ आते हैं जो गुजरात गैस लिमिटेड। ये तीनों शेयर गैस के हैं। अब इन तीनों शेयर में से ऐसा नहीं कि तीनों खरीद के रख लो, कोई भी एक जिस एरिया में आप रह रहे हो और जिसका आपके पास कनेक्शन है वो रख सकते हो। देखिए हर कोई जानता है, जैसे आईजीएल, या दिल्ली एनसीआर में तो आईजीएल चलता है, मुंबई में देखिए एमजीएल चल रहा है, गुजरात में गुजरात गैस चल रहा है। तो भाई हर किसी को पता है आज की डेट में अब सिलेंडर धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं और यही कनेक्शन जो है पाइप्ड गैसेस चलने वाली है। अब 15,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, 2,000 करोड़ का यहाँ पे गुजरात गैस के ऊपर डेट है। प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ ऑलमोस्ट सिमिलर है तीनों शेयर्स का, कमाई अच्छी है। और अब मैं चार्ट दिखाता हूँ आपको, तब आपको थोड़ा और क्लैरिटी होगी। देखिए आईजीएल के गैस की, मैं जब यहाँ पे स्ट्रक्चर बिगड़ा था तभी आपको बार बार कह रहा था कि स्ट्रक्चर बिगड़ चुका है, स्ट्रक्चर बिगड़ चुका है। कभी भी अगर आप पीक पे, एक चीज़ ध्यान देना, पीक पे, ये वीकली चार्ट है, जैसे कि वीकली चार्ट और मंथली चार्ट जनरली वो लोग फॉलो करते हैं जो लोग लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोचते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार हम तो आप तो ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हो, इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बात ही नहीं करते हो। तो देखिए मेरा यही मानना है कि इन्वेस्टर इज अ लॉन्ग टर्म ट्रेडर हु फॉलोज जनरली मंथली एंड द वीकली चार्ट, और ये वीकली चार्ट है देखिए। अब इस वीकली चार्ट पे जब भी मैंने आपको कहा कि लंबी अपर शेडो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि वीकली चार्ट पे आपका पूरे पीक पे क्या बियरिश ज्वाइंट बन चुका है, मतलब ये लंबी लंबी अपर शेडो खतरे की घंटी आपको ऑलरेडी, वो भी एक नहीं तीन तीन वीक में ये खतरे की घंटी आई थी। एक तो जनवरी एंड, फिर फरवरी 1 और फरवरी 2, और निकलने की बारी थी जिसको मौका था 487 490 के आसपास, भाई निकल लो, अब तो निकल लो, यहाँ पे निकल लो। जो यहाँ नहीं निकला उसके पास फिर से मौका था इस रेंज में, 400 के रेंज में निकलने का, उसके बाद क्या धड़ल्ले से स्टॉक गिरा है। हम पहले भी बात कर रहे थे यहाँ पे अगर ये नीचे गिरता है तो वीकली पे जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा वो 270 280 के रेंज में होगा। अगर आप पुराने वीडियोस देखोगे तो क्यों ये सपोर्ट होगा, क्योंकि ये 200 वीक्स का सिंपल मूविंग एवरेज है जो कि काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट का काम करता है। और अभी भी अगर मैं देखूँ इस शेयर में आने वाले टाइम पर अगर गिरावट आती है तो इस शेयर का एक मेजर एरिया रहने वाला है 200 से लेके 220 के आसपास, जहाँ पे लास्ट टाइम पे भी इसमें करेक्शन आया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया रहने वाला है, इससे नीचे अगर ये जाता है तो भाई भरने वाला शेयर ऐसा लगता है। लेकिन हमने हमेशा से आपको कहा कि कोई भी स्टॉक अगर आपको खरीदना है तो एटलीस्ट थोड़ा पॉजिटिविटी उसमें दिखे तभी आप खरीदो, तो ज्यादा बेटर पोजीशन होती है। अब आप देख सकते हो यहां पे किस तरीके से बिल्कुल ये पॉइंट जो है 200 से लेके 220 के आसपास, क्यों हम इस पॉइंट को कह रहे हैं, क्योंकि इससे पहले 2017 के आसपास भी इसी रेंज में कंसोलिडेशन बना था और अभी बीच में 2018 में जब गिरावट आई थी तो यही बॉटम पॉइंट था, और अभी के टाइम पे भी इतनी बड़ी गिरावट है तो इस रेंज में अगर अभी आप देखोगे तो 357 पे है। उस रेंज में जाने के लिए 150 पॉइंट लगेगा, मतलब कि बड़ी गिरावट, बड़ी गिरावट की हम एक्सपेक्टेशन कर ही रहे हैं। तो ये आईजीएल के शेयर को आपने देखा, और आप देख सकते हो कई लोग कहेंगे नहीं भाई रिवाइव हो गया ये शेयर, ये तो बहुत पॉजिटिविटी में आ रहा है। देखिए अभी एक वीक, पहले वीक की पॉजिटिविटी है, अभी इस तरीके से अप डाउन चीजें चलती रहेंगी, काफी वोलेटाइल मार्केट है, कभी गैप डाउन होगा कभी गैप अप होगा, इसीलिए आपको कोई भी पोजिशन कैरी करने की जरूरत नहीं है, दिन दिन में ही निपटा लो क्योंकि अभी किसी को कुछ पता ही नहीं है। एमजीएल की बात करते हैं, इंट्राडे में भी आईजीएल में, एमजीएल में अच्छी खासी कमाई हुई थी, आपको डाटा भी मैंने शेयर किया था कि किस तरीके से मौके आपको देखने को मिले, और इस तरीके से मौके आपको देखने को मिलते रहेंगे आने वाले टाइम पे भी। देखिए मंथली चार्ट एमजीएल का अगर मैं बात करूं, देखिए एमजीएल, ये देखिए एमजीएल के शेयर को आप देख सकते हो कि सिमिलर, ये तो मंथली चार्ट है, वीकली पे चलते हैं, स्टार्टिंग करते हैं, सेम कंडीशन जो आईजीएल की थी, बिल्कुल लंबी लंबी अपर शेडोज, वो एमजीएल की भी जब ये 1200 1250 के लेवल पर था तब थी, उसके बाद धड़ल्ले से ये नीचे गिरा, नीचे गिरते गिरते इसका मेजर सपोर्ट एरिया था वो 764 764 का था, और वो सपोर्ट भी ये तोड़ चुका है काफ़ी रिस्की। अब मुझे लगता है कि जो इसका स्टार्टिंग प्राइस है ऑलमोस्ट 500 के आसपास, 500 से मैं कहूँगा 600 की रेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट रेंज रहने वाली है। ऑल्दो अभी के टाइम पर जब लो बना था वो 650 का था, तो ज़्यादा गिरावट की एक्सपेक्टेशन नहीं है। ये रेंज देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रेंज रहने वाली है। लेकिन इन स्टॉक्स के की जो है डिमांड आने वाले टाइम पर बढ़ सकती है, घरों में रहेंगे, खपत तो है ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और जो नेचुरल गैस के प्राइसेस है वो इम्पैक्ट इनको यहाँ पे कर रहे हैं। अब अगले शेयर की तरफ चलते हैं, देखिए गुजरात गैस की। अब ये सारी चीज़ें जब आप देखोगे, चीज़ें समझोगे, रिलेट कर पाओगे चीज़ें, तब आप कहोगे अरे वाह सेम सिचुएशन। देखिए तीनों स्टॉक एक ही, क्या कहते हैं वो, एक ही लाइन के, एक ही सेक्टर के, एक ही एरिया के स्टॉक है ये। अब इनको समझने की कोशिश कीजिए, और
और यहाँ पे आप देखिए कि किस तरीके से गिरावट चल रही है, और इम्पोर्टेंट लेवल मैं इसके लिए कहूँगा जैसे 228 पर भी ट्रेड कर रहा है और ऑलमोस्ट एक 200 के आसपास का इसने जो है सपोर्ट लिया। और ये सपोर्ट आपने देखा होगा कि पुराने रेजिस्टेंसेज कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस में, पुराने रेजिस्टेंसेज कैन बिकम सपोर्ट, और वही हुआ है। और अभी अगर और गिरावट की एक्सपेक्टेशन हम यहाँ पे करते हैं तो ये जो 200 की लाइन है 150 के आसपास की वो है, अगर और भी नीचे की एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो 115 का ये इंपॉर्टेंट जोन है। इन पॉइंट्स को आप ध्यान रख लीजिए, काफी काम के ये पॉइंट्स है। दूसरी चीज अगर मैं बात करता हूं कि किसी भी स्टॉक में पॉजिटिविटी आपको देखनी, जैसे ये बहुत तेजी से गिरा था 2017 से लेके लगातार गिरता जा रहा था, लेकिन जब ये कंसोलिडेशन हुआ और फिर जाके एक बड़ा वॉल्यूम आपको देखने को मिलेगा खरीदारी का, खरीदारी का वॉल्यूम जैसे इसी में देखिए, जब ये बॉटम पॉइंट पे था बिल्कुल म्यूटेड वॉल्यूम में था, और लेकिन अचानक यहाँ पे खरीदारी हुई कौन से 25 फरवरी 2019 में, ऐसी खरीदारी हुई कि टावर आपको क्लियर कट दिख रहा है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस में सब कुछ दिखता है, किसी ने खूब माल खरीदा और माल खरीदते ही डाउन ट्रेंड की जो लाइन है वो खत्म हो गई। ये जो डाउन ट्रेंड की लाइन आप देख पा रहे हो ना एकदम, ये माल खरीदते ही खत्म होगी और उसके बाद तब जाके आपको रियलाइज हुआ होगा हाँ भाई अब तो कोई बड़ा प्लेयर एंट्री कर रहा है। और आप देखिए आपने अगर यहाँ पे भी 150 पे भी इसको खरीदा होता तो किस किस तरीके से इसने आपके पैसे को डबल किया होता। चलिए वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, उम्मीद करता हूँ समझ में जरूर आया होगा आपको क्या इन 3 शेयर्स की इंपॉर्टेंस है। मौका आपको जरूर मिलेगा, ध्यान देना आपको है, सब चीज़ें आपको बता दी गई है, रिवर्सल के सिग्नल देखिए और वीडियो को शेयर कीजिए। टेक्निकल एनालिसिस ज्वाइन करने तो मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।